मैं इस बात को खुले मन से कहता हूं कि हिंदुस्तान में जितने मुख्यमंत्री आज तक हुए हैं, पूरे प्रदेशों में सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री कोई हुआ है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए। झूठ पे झूठ बोलते हैं, हर आदमी को लारा लगाते हैं, नौजवानों को लारे, महिलाओं को लारे, झूठ ही बोलना है। इसलिए झूठ की काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। मुझे लगता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बर्तन डालोगे वैसा बर्तन मिलेगा। 5 मार्च को पिछले साल 2023 होली फेस्टिवल मुख्यमंत्री आए थे और उसमें उन्होंने, मैंने कुछ डिमांडें रखी थी और घोषणाएं करी थी कि यहाँ पर जो है वो टौनी देवी में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, सुजानपुर में बस अड्डा बनाया जाएगा, सुजानपुर में पीजी की क्लासेस, इकोनॉमिक्स की और इंग्लिश की क्लासेस शुरू की जाएंगी। और इसके अलावा जो 2 डिवीज़न, एक आईपीएच का जल शक्ति विभाग का और एक इलेक्ट्रिकल डिवीज़न जो है बंद कर दिए थे, डी नोटिफाई कर दिए, उनको दोबारा से नोटिफाई कर दिया जाएगा। ये सारे के सारे काम, डिग्री कॉलेज की नोटिफिकेशन हुई और सिविल हॉस्पिटल जो है 50 से 100 बेडेड करने की नोटिफिकेशन हुई है, ज़मीन पर काम नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री जो आप कह रहे हैं कि 2 महीने पहले जो चुनावों में आया, हर तरह की मैं ही विधायक हूँगा, मैं ही आपके काम करूँगा, मैं इस बात को खुले मन से कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने मुख्यमंत्री आज तक हुए हैं, पूरे प्रदेशों में सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री कोई हुआ है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए। झूठ पे झूठ बोलते हैं, हर आदमी को लारा लगाते हैं, नौजवानों को लारे, महिलाओं को लारे, झूठ ही बोलना है। इसलिए झूठ की काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। इसलिए आने वाले समय में इन चीज़ों का इन लोगों को भुगतान करना पड़ेगा और अपने जो जिनके साथ इनके जो है मतभेद हैं, मतभेद की बात कर रहा हूं मैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाने का जो सिलसिला हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, ये सिलसिला सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया है। मुझे लगता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बर्तन डालोगे वैसा बर्तन मिलेगा। इसलिए हिमाचल प्रदेश एक पीसफुल स्टेट है, इस पीसफुल स्टेट में इस तरह के झूठे मुकदमे बनाने, जो आपके जिनके साथ आपके जो है मतभेद रहे हैं उनके कारोबार बंद करा देने, विभागों को उनके ऊपर रेड करा देनी, ये सिलसिला जो है सुक्खू जी ने शुरू किया है। और आने वाले समय के लिए जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये सिलसिला जो शुरू उन्होंने किया है मुझे लगता है ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश के पीसफुल स्टेट को उन्होंने खराब करने की कोशिश करी है और मुझे लगता है कि इनको कोई शांति हवन करवाना चाहिए, पंतों से मिलकर कोई जो हिमाचल प्रदेश का कल्याण हो। जो जो जिस तरीके से इन्होंने प्रदेश की जो तबाही कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए ठीक है।